नमस्कार, मैं दिव्य ज्योति शर्मा आप लोगों को नए साल की अभी से शुभकामना देना चाहती हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ चौक एंड डस्टर. उसमें मैंने शबाना आज़मी, जूही चावला, ऋषि कपूर, गिरीश कर्नाड जी, इन सब एमिनेंट आर्टिस्ट के साथ काम किया है. और इतने मंझे हुए आर्टिस्ट हैं कि इनके साथ काम करके इतना सीखा है हमने जो शायद मैं ना सीख पाती. शबाना जी की इंटेंसिटी सीन के वक्त, सीन से पहले और सीन के बाद उनको देखने में जो मज़ा आता है, और उनकी इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ जो रही है वो तो काबिले तारीफ़ है. उन्होंने मुझे पैम्पर किया है, लिटरली अपने हाथों से मेरे बाल बनाए हैं शबाना जी ने, पिने लगाई हैं मुझे, मेरे को बच्चे की तरह शबाना जी ने पैम्पर किया है. मैं तो उनकी फ़ैन तो पहले से ही थी, अब मैं तो टोटली उन पर फिदा हूँ. बाबा आज़मी जी हैं जो DOP हैं, वो माई गॉड, उनके साथ काम करना इज़ लाइक हर एक के साथ इस फिल्म में काम करना इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. जूही जी इतनी विटी हैं, इतनी प्लेफुल है, मजाकिया हैं, और वो कहती हैं मैं तो तुम्हें मिसेस पिंटो ही बुलाऊंगी और कुछ नहीं बुलाऊंगी. बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया इस फिल्म में काम करके. ऋषि कपूर जी, ऊपर से हमारे जो डायरेक्टर हैं जयंत जी, वंडरफुल डायरेक्टर. काश ऐसी पिक्चरें मिलती रहे और बस ऐसे हंसी खुशी काम करते रहे. आपने भी शबाना जी की तारीफ की है, और लाइक यू नो जब ये ट्रेलर लॉन्च था तो जूही जी ने आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें लोगों को बताई हैं जो कि रियल लाइफ में जानते नहीं थे. रियल लाइफ मुझे तो ये तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जब जूही जी ने सबके सामने बोला एक एक्साइटमेंट और मतलब क्या आंखों में आंसू आने वाला एक सीन. दैट वाज अ सरप्राइज पैकेट फॉर मी, क्योंकि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे तो हम जैसे आर्टिस्ट की क्या गिनती उन सबके सामने. पर जूही जी वाज सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, क्योंकि उन्होंने मिसेस पिंटो का जो कैरेक्टर है वो एक ओल्ड वुमन है, उसके बाल पूरे सफ़ेद हैं और उसमें कोई ग्लैम मेकअप नहीं है. वो उस मुझे तो काला कर दिया जाता था, एक दो शेड काला कर दिया जाता था और लाइनें बना दी जाती थी रिंकल्स के लिए. और तो वैसे मैं हूँ नहीं 60 साल की बुढ़िया तो हूँ नहीं, मगर क्योंकि मुझे वो रोल करना था मैंने एक्सेप्ट किया है विलिंगली कि मैं 60 साल की बुढ़िया का काम करूँगी. तो शायद यही देख के और मेरी विलिंगनेस देख के जूही जी और शबाना जी वो बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ मी. और जूही जी का ये कहना अबाउट मी कि ये देखें ये ऐसी दिखती हैं इज़, मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पीचलेस. मैं तो मेरी दिल की धड़कन ऐसे ऐसे बढ़ गई थी और मैं बहुत खुश थी. मैंने कहा चलो किसी ने तो इस बात को अप्रिशिएट किया मेरी इस मेहनत का. और मैंने बाल भी काटे थे उसके लिए, जयंत जी ने बोला था तो कैंची लेके वहीं सेट पे ही बाल काट दिए थे. बट खैर वो बालों का सीक्वेंस अलग ही हो गया था. बट लिटरली आई वाज बर्स्टिंग विद हैप्पीनेस, जॉय, टीयर्स इन माय आईज, एवरीथिंग जो भी कह लो. फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे आपका रोल किस तरीके का है, कितनी मुश्किल, कितना मुश्किल था इसको करना और लाइक आने के बाद कितना एक्साइटेड है मूवी रिलीज होने वाली है. मेरा रोल एक 50-60 साल की स्कूल टीचर का है, मिसेस पिंटो, जो एक क्रिश्चियन स्कूल टीचर है. प्यारी सी है, जैसे जूही जी ने कहा प्लम्प सी है, उसको हक करने का मन करता है और वो सब बच्चों के साथ बहुत स्वीट सी है. और मैं बच्चों के साथ वैसे भी रियल लाइफ में आई एम वेरी गुड विद चिल्ड्रन, और मुझे बच्चों को संभालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तो इसलिए शायद मेरी बच्चों के साथ रेपो भी अच्छी होती है. और मेरी लुक की बात रही तो मैंने कहा मेरे, जैसे कहा था कि एक शेड मुझे डार्क कर दिया गया था, बाल सफ़ेद कर दिए गए थे, चेहरे पे लाइनें थी. डिफ़िकल्ट नहीं था, जयंत सर ने मुझे खाली एक बात बोली थी, ये मेरी कंडीशंस हैं, तुम ये रोल करना चाहती हो. जब मुझे बुलाया गया था मैंने कहा सर आपकी सारी कंडीशंस मंजूर हैं मुझे. मैंने बिना किसी शिकवा शिकायत के मैंने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया, ये सोच के कि सारांश में अनुपम खेर कितने यंग थे, उन्होंने ओल्ड वुमन मैन का रोल किया था, तो क्या हुआ मैं एक ओल्ड वुमन का रोल करती हूँ, इट्स अ चैलेंज फॉर मी. तो मेरे जो फैंस हैं, मेरे ऑडियंस हैं, मेरे दर्शक हैं, वो ये एक नया रूप देखेंगे. बिसाइड्स बीइंग अ कॉमेडी आर्टिस्ट, बिसाइड्स डूइंग हल्ला गुल्ला, ये एक शांत प्यारा सा रोल है, शबाना जी की फ्रेंड का रोल है इस मूवी में, और मैं बहुत एक्साइटेड थी इस रोल करने के लिए. चौक एंड डस्टर टीचर्स के बारे में है, टीचर्स चौक से लिखती हैं
और डस्टर से मिटाती हैं. चौक से हम अच्छी बातें लिखते हैं और डस्टर से बुरी बातें मिटा देते हैं. इसका मतलब ये है, इट्स पॉजिटिविटी विनिंग ओवर ईवलनेस. तो एक्सप्लॉयटेशन है टीचर के बारे में, कैसे एक भयानक सी खराब औरत जो अपना ही मोनोपोली लगाना चाहती है, अपना ही रूल लगाना चाहती है, पुरानी टीचर्स जो थी, जो एज में पुरानी टीचर्स थी, उनको कैसे वो टॉर्चर करती है, उनको कैसे चाहती है वो स्कूल से निकाल दे और नई टीचर्स लाए, उसी के साथ के टीचर्स लाए. तो शबाना जी, मैं दोनों एक उम्र की दिखाए गए हैं कि हम ओल्ड हैं, हमसे सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है. कुर्सी हटा दी गई थी हमारी, तो कुर्सी, बिना कुर्सी के पढ़ाओ, खड़े होके पढ़ाओ, तो हमारे पैरों में, क्योंकि हम ओल्ड हैं, दर्द होता है. यही सब बातें दिखाई गई हैं कि कैसे टीचर्स एक्सप्लॉयट हो सकती हैं और कैसे कोई इनके बारे में ध्यान नहीं देता. टीचर्स एक फ्यूचर बनाती हैं, बच्चों का फ्यूचर बनाती हैं, और हम टीचर्स को ही नहीं ध्यान देंगे तो ये फ्यूचर कैसे ध्यान रखेंगे हम फिर बच्चों का. दिव्या दत्ता, हाँ हाँ हाँ, आर्य बब्बर के साथ मेरा कोई सीन नहीं हुआ. दिव्या जी के साथ सीन हुआ है. दिव्या जी को मैं बहुत अरसे से जानती हूँ और हमने काम भी किया हुआ है. शन्नू की शादी एक सीरियल आता था तो मैं उसकी हलवाईपुर वाली मौसी बनी थी. तो उसके बाद मैं उनके साथ अब काम कर रही हूँ, तकरीबन इस बात को 7-8 साल हो गए हैं. एंड दिव्या जी इज़ एन वंडरफुल आर्टिस्ट और वो दिव्या दत्ता है. एंड मज़ा आया काम करके. तो मैं उनसे मजाक करती थी, हियर द टू दिव्याज हैव यूनाइटेड अगेन. नोशी उससे, उनसे सीखना बहुत मिला है, वो किस तरीके से अपने सीन को ग्रैस्प करती हैं, इनपुट उनकी क्या है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इस फिल्म से. और आर्य बब्बर जी से मुलाकातें होती रहती हैं, बट इट वाज नाइस मीटिंग हिम आफ्टर मेनी इयर्स आल्सो. या आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या आने आपको और क्या प्रोजेक्ट है और किस तरीके से. आने वाली एक फिल्म कर रही हूँ जिसका मैं नाम अभी रिवील नहीं कर सकती, ना कंपनी रिवील कर सकती हूँ. बस ये बता सकती हूँ कि कल सुबह 5 बजे मेरा कॉल टाइम है और 10 दिन का स्केड्यूल है. हम आउटडोर जा रहे हैं और बहुत ही टफ स्केड्यूल होगा ये. शायद मैं आपको फर्स्ट स्केड्यूल के बाद, जब मेरे प्रोड्यूसर हमें अलाउ कर दें इस फिल्म का नाम और इस फिल्म के बारे में बताने के लिए, तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी अबाउट दिस न्यू वेंचर ऑफ माइंड विच इज़ वेरी एक्साइटिंग. मैं बहुत खुश हूँ इस वेंचर से. ज़रूर, ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस टू यू ऑल. भगवान करे आपका अगला साल और उससे अगले साल भी सब शुभ होते जाएं. लव यू ऑल. Thank you.